नमस्कार, रागिनी की वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आज जिस कलाकार को हम आमंत्रित करने जा रहे हैं, उनकी संगीत परंपरा को समझने के लिए मैं उनके तीन गुरुओं के नाम लेता हूं, विदुषी शोभा गुट्टू, पंडित दीपक चटर्जी और पद्म भूषण से सम्मानित पंडित राजन साजन मिश्र। नम्रता चौधरी हमारी आज की शास्त्रीय गायिका, हमारी आज की मेहमान है और उनके गुरुओं के नाम से आप समझ गए होंगे कि उनकी संगीत परंपरा में किस तरह की खुशबू है। बातचीत शुरू करते हैं। तो नवनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रागगिरी के इस प्लेटफॉर्म पे। और देखिए ना, लॉकडाउन में ब्लेसिंग इन डिसगाइज कह लें इसको, कि कलाकारों से बातचीत करने का सिलसिला शुरू हुआ और बड़े ही सुरीले, बहुत ही कह सकते हैं समर्पित कलाकार हमको मिलते गए, हम बातचीत करते गए और अब सिलसिला आप तक पहुंचा है। और आपने तो, आप तो बनारस घराने से हैं, तो इसलिए हमारा थोड़ा और ज्यादा कनेक्शन है, क्योंकि मैं मूलतः बनारस मेरा गांव है। तो पहले तो आपका स्वागत करता हूं और फिर आपसे यही गुजारिश करता हूं कि चूंकि हम इस इंटरव्यू सीरीज को हमेशा एक भजन से शुरू करते हैं, तो कोई एक भजन सुनाइए, फिर बातचीत को विधिवत तरीके से आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी रागगिरी, खास करके आपको, कि मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया है। मैं, हम सबको पता है कि मेरे परम पूज्य बड़े गुरुजी पद्म भूषण पंडित राजन मिश्रा जी आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनको श्रद्धा अर्पित करते हुए मैं उनका ही गाए हुए एक गीत से मैं प्रारंभ करना चाहूंगी। क्या बात है नम्रता जी, और इस भजन के साथ साथ पंडित जी की तमाम यादें जहन में ताजा हो गईं, क्योंकि ये रागगिरी का सौभाग्य रहा कि वो बिल्कुल एक हमारे अभिभावक की तरह हमेशा हमारे साथ रहे। और पिछले 6-7 साल में मुझे नहीं याद आता कि मैंने उनसे कभी कोई रिक्वेस्ट की हो रागगिरी के लिए और उन्होंने उसको स्वीकार ना किया हो। हमारा दुर्भाग्य है कि बहुत जल्दी चले गए वो, लेकिन जैसा संगीत वो देकर हमको गए हैं, मुझे लगता है कि वो शायद हमको ताउम्र
हमारी आने वाली पीढ़ियों में भी उतना ही प्यार किया जाएगा, उसको उतना ही अमर रहेगा। आपके संगीत सफर पे आते हैं और जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने ये पाया कि आपकी शुरुआती जो शिक्षा कह लें या शुरुआती इंटरेस्ट कह लें, वो आपकी माँ आपको सिखाती थी। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये माँ में संगीत के जो बीज थे वो कहाँ से आए थे, क्या कोई परंपरा चली आ रही थी? मेरे नाना जी वायलिन बजाते थे, सितार बजाते थे, उनको बहुत इंटरेस्ट था म्यूजिक में, तो उन्हीं से ही माँ को मिले हैं। एक्चुअली उन्होंने एज ए प्रोफेशन तो इसको नहीं लिया, पर संगीत से बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे, बहुत बड़े बड़े कलाकारों से मिलना जुलना, और बहुत ही सांगीतिक माहौल था। और मम्मी को भी मिला और मम्मी से मुझे मिली। तो आपने फिर एक तो होता है बचपन में गुनगुनाना, जो कि मैं भी गुनगुनाता था, लेकिन मैं कभी ये तय नहीं कर पाया कि मुझे प्रॉपर शास्त्रीय संगीत सीखना है। आपने ये किस उम्र में तय किया कि हम अब एक काम करते हैं कि अब अगर ये शौक है, गाते हैं और ऐसा लगता है कि ठीक गाते हैं, अच्छा गाते हैं, तो अब इसकी एक विधिवत तालीम ली जाए, इसमें एक्सपर्टीज हासिल की जाए, वो फैसला कब लिया आपने? मेरे लिए एक्चुअली बहुत कठिन है कहना कि कब से मैंने शुरू की। माँ से जो मैं सुनी हूँ कि जब से बोलना शुरू की तब से मैं गुनगुनाना शुरू की, और जो भी गाना मैं सुनती थी आसपास से मैं बहुत जोर जोर से गाती थी, और उसका लिरिक्स चाहे सही हो ना हो जो भी हो, पर सुर में मैं गाती थी और लय एकदम परफेक्ट। तो माँ को ये देख के लगा कि नहीं, इसको सिखाना चाहिए, इसमें संगीत है। उनको उस समय महसूस हुआ कि इसमें संगीत है। तो उस समय मेरा जो घर पे सारे इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ रहता था, हारमोनियम, तानपुरा, तबला, तो मैं जा के बार बार हारमोनियम छूती थी, उसको बजाने की कोशिश करती थी। तो ऐसा करते करते 3 साल की उम्र में अराउंड मैं अपने आप सारेगामा बजाना सीख गई। तो किसी ने मुझे सिखाया नहीं कि ये सा है, ये रे है, ये गा है, तो मैंने अपने आप सीख लिया उसको। तो माँ को लगा, अरे वाह, ये इतनी छोटी उम्र में अपने आप बजा लिया। फिर मम्मी ने मुझे जैसे अलंकार, छोटे छोटे सा सा रे रे, सा रे गा रे गा मा, ये सब मुझे सिखाने लगे, और उसी चीज को मैं हारमोनियम में भी बजा बजा के गाने की कोशिश करती थी। तो ऐसा करते करते ऐसा हुआ कि ये मेरे लिए एक खेल बन गया कि मम्मी कुछ गाएंगे और उसको मुझे बजाना। तो लगभग 4-5 साल की उम्र में ऐसा हो गया कि कोई भी गाना मैं सुनती थी तो उसको बजा लेती थी। तो हमारे घर पे जैसे ये एक खेल जैसा हो गया था, मम्मी खुद ही जैसे बंदिश गा रही है, कुछ भी बंदिश गा रही है, तो मुझे सिखा रही है, मैंने सीख लिया, तो उसको हारमोनियम में बजाना, और ताल का जैसे एक बंदिश कोई एक ताल पर्टिकुलर ताल में गाए है तो इस ताल में कैसे गाओगे, तो ये सब जो लय की बात, सुर की बात, ये सारे बातें जो है बचपन से ही दिया गया है। तो ऐसा करते करते मम्मी को भी लगा, नहीं आप जो है आप इसको प्रॉपर गाइडेंस देना चाहिए। तो वहीं से हमारा शुरू हुआ, और हमें हमारे घर पे अंताक्षरी भी खेला जाता था ऐसे रागों को लेके। पहले तो रागों के नाम से होता था, तो उसमें क्या हो जाता था प्रॉब्लम कि हमें तो बहुत सारा राग नहीं पता था, तो ऐसा होता था कि कोई भी बंदिश गाओ या तो कोई भी गाना उसमें गाओ, तो हम उसी में कोशिश करते थे कि बंदिश इतना लर्न हो जाए कि हमें जब अंताक्षरी खेलना हो तब हमें याद रहे। तो उस हिसाब से हमने उसमें बहुत मन लगा के करते थे, सारे बंदिशें याद करते थे ताकि हम जीत पाए उसमें। तो ऐसा खेल खेल में हमने मतलब काफी कुछ सीख लिया, और फिर माँ ने भी बिठा के फिर अच्छे से तालीम देने लगे ख्याल गायकी में। तो ऐसे ही शुरू हुआ म्यूजिकल जर्नी। तो इसके बाद फिर हमें भी ये महसूस हुआ कि एक समय में कि मुझे जो भी करना है म्यूजिक में ही करना है।
और कोई, वैसे तो पढ़ाई में मैं ठीक ही थी, अच्छी थी, पर मुझे लगा था कि मैं, मुझे आगे चल के म्यूजिक ही, म्यूजिक में ही आगे बढ़ना है। तो एक समय आया ऐसा कि मैंने फैमिली को भी बोला, मम्मी पापा को भी बोला कि मुझे म्यूजिक में ही आगे बढ़ना है, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा जो शिक्षा है वो म्यूजिक में ही मैं करूँ, ताकि मेरा समय भी बचे और मैं हर टाइम म्यूजिक के साथ ही जुड़े रहना चाहती हूँ। तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि मैं म्यूजिक करूं, उनको भी, उनसे हमेशा ही मुझे प्रोत्साहन मिला है। माँ से तो, माँ तो मेरी पहली गुरु है, और बाबा भी हमेशा ही मुझे म्यूजिक के लिए प्रोत्साहित किए हैं। तो फिर आगे, अब जब आप हाँ देश विदेश में परफॉर्मेंस करती हैं और लोग आकर तारीफ करते हैं, तो वैसे तो माँ बाप का हम लोग क्या ही शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन मन में कभी आता है क्या कि असल में तो वो जो परख थी, जो पारखी नजर थी उनकी, जो आपके अंदर के संगीत को पहचानना था, वो तो उन्होंने पहचाना, तो असली क्रेडिट तो माँ को दिया बिल्कुल जाना चाहिए। बिल्कुल, वो तो हमेशा हमेशा माँ की दान जो है, देन जो है हमारे जीवन के लिए, वो तो हम कभी, मतलब कुछ भी करें उसका तो वो हम मतलब मोल नहीं निकल सकते कभी भी। अच्छा, फिर आपका सफर पहुंचा गुरुओं के लिहाज से, अगर मैं बात करूं तो शोभा गुरटू जी जैसे दिग्गज कलाकार से आपने सीखा, राजन साजन जी का नाम हम लोगों ने लिया ही, पद्म भूषण, बनारस घराने की मजबूत पहचान, उसके अलावा आपने पंडित दीपक चटर्जी जी से भी सीखा, तो ये अगर आप थोड़ा थोड़ा बता सकें इन लोगों के बारे में कि आपने कैसे, आप इनके पास पहुंची और किस तरह से फिर तालीम आगे बढ़ी, एक एक सीढ़ी की तरह से आपके स्टेज बिल्कुल ऊपर आया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। मम्मी से, मतलब विदुषी शोभा गुट्टू जी से मैंने एक प्रोग्राम में मिली थी। उस प्रोग्राम का जो ऑर्गेनाइजर थे वो हमारे बहुत करीब थे, बहुत ही, मतलब हमें प्यार करते थे, क्योंकि मैं भी संगीत से जुड़ी हुई थी, गाती थी। तो उन्होंने मुझे उस प्रोग्राम के लिए कहा था कि तुम भी आ जाओ सुनने, और मैं तो बहुत बड़ी फैन भी थी उनकी। उस समय तक मैं ठुमरी दादरा गाती थी, तो उन शोभा गुट्टू जी की बहुत सारे गाना जो है वो मैं, और मतलब उनको सुन सुन के गाने की कोशिश करती थी। तो उस प्रोग्राम में उनसे मिली और बातचीत भी हुई। मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ कि उनसे काफी समय तक, मतलब उनके पास रहने की मुझे मौका मिला था उस समय। और ऐसे बातचीत में ही मैंने उनसे कहा कि आप मुझे सिखाएंगे, तो उन्होंने फिर कहा कि हाँ जरूर मैं सिखाऊंगी। तो तब से उनके साथ मैं जुड़ गई थी। और जब मैं एमए कर रही थी, तब मैं दिल्ली दिल्ली आ गई थी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने एमए की। तो उस समय मेरा ही एक प्रोग्राम था, और उसमें पंडित दीपक चैटर्जी जी, रसिक रंग जी, उस प्रोग्राम में मौजूद थे, और मेरा गाना सुन के उन्होंने मुझे बहुत सारे आशीर्वाद दिया, और कहा कि तुमने जो भी प्राग, उस दिन मुझे याद है अभी भी, मैंने भाग्यश्री सुनाया था, तो उन्होंने सारी चीज बताई कि तुमने कहाँ कहाँ अच्छा किया, कि बहुत सुंदर तुमने ये रागदारी मेंटेन की, ये सब बोल के उन्होंने खूब तारीफ किए हैं। और फिर मैंने उनको, क्योंकि मेरा जो बचपन से ही मैं ख्याल गायकी सीख के आई हूँ, और मुझे ये ख्वाहिश था कि मैं आगे बढ़ के इसी को और मजबूत करूं, तो मैंने उनको कहा कि मैं आपसे ख्याल गायकी सीखना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला जरूर मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो फिर तब से मैं उनके पास सीखना शुरू की। फिर ऐसे ही फिर शादी हो गई, बेटा हुआ, इसके 2 साल बाद फिर बेटी हुई, और जब बेटी हुई तो हमारा जो लाइफ है वो काफी चेंज हो गई। मतलब आप, मतलब कह सकते हैं कि एकदम पलट गए हैं। तो
उस समय एक्चुअली मेरे जो बेटी है वो ब्रेन इंजर्ड है बाय बर्थ, तो उसे लेके हमें काफी टफ टाइम गुजारना पड़ा। लगभग 2 से 3 साल मैंने कोई स्टेज परफॉर्मेंस नहीं की। उस समय गाती थी घर पे कभी कभी जब भी मौका मिलता था, बट परफॉर्मेंस अगर कहेंगे तो 2-3 साल मैं कर नहीं पाई थी। फिर ऐसा ही हम दिन बिता रहे थे। एक दिन हस्बैंड ने मुझे कहा कि देखो ऐसा ठीक नहीं है, हमारे लिए भी ठीक नहीं है, बच्चों के लिए भी नहीं है, हमें एक पॉजिटिव लाइफ लीड करना चाहिए, तुम्हें फिर से दोबारा म्यूजिक करना चाहिए, क्योंकि म्यूजिक एक ऐसा ऐसा चीज है जिससे जो किसी भी इंसान के जो भी दुख है उससे निकल लाते हैं। तो हमें भी इसको फिर से तुम्हें गाना है और तुम गाओगे तो हम सब मतलब अच्छा रहेंगे इसके थ्रू। तो मैंने भी बहुत सोचा और फिर बहुत कुछ सोच के फिर डिसीजन लिया, नहीं हमें फिर से दोबारा से हम शुरू करेंगे। अब 1985 में एक मूवी आई थी सुरसंगम, आप जरूर सुने हैं, देखे गाया होंगे। था गुरुजी लोगों ने। हाँ हाँ बिल्कुल। तो जब उस समय मैं बहुत छोटी थी तो वो मूवी देख के मुझे मैं इतना ज्यादा प्रभावित हो गई थी कि उस समय से ही मेरा ये ड्रीम था, कभी अगर जिंदगी में मुझे मौका मिला तो मैं जरूर इनके पास जाऊंगी। उस समय से ही ड्रीम, और जब भी मैं गुरु सोचती थी तो मेरे सामने आंखों के सामने उनका छवि आ जाती थी, तो मैं बहुत ज्यादा उनको फॉलो भी करती थी तब से। तो जो भी है, शायद भगवान को यही मंजूर थी कि मुझे गुरुजी तक पहुंचाए हैं और मैं उनके पास गई, उनको कहा कि आप मुझे एज ए शिष्य आप मतलब मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप सिखाइए मुझे। तो उन्होंने स्वीकार स्वीकार किया है और सिखाना शुरू हुई है। उन्होंने मुझे मतलब काफी साल तक हमें मौका मिला है उनसे सीखने का। तो जैसे ही हम बैठते थे, घंटों भर हम प्रैक्टिस करते थे, रियाज करते थे, बहुत कुछ सिखाते थे, बहुत कुछ बातचीत होता था। तो मुझे लगता था काश मैं मतलब 40 साल पहले जब से मैंने शुरू किया तब से ये गुरुजी मुझे मिल जाते तो कितना अच्छा होता। तो गुरुजी को मैंने एक बार ऐसे ही काफी बार सोचा है, पर एक बार मैंने गुरुजी को बोल भी दिया ये बात। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, जब से तुमने मुझे गुरु माना है तब से मैं तुम्हारी गुरु हूँ, तो बहुत बड़ी बात है। और मैंने हमेशा ही उनको उस नजरिया से ही देखा है और ये मेरे परम सौभाग्य है कि मुझे मतलब जो मैंने मेरा ड्रीम था वो मुझे मिला है, इसलिए मैं भगवान को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हमेशा कि ऐसे इंसान इंसान मतलब मैं एज ए गुरु मुझे मिला। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से जिस फिल्म के गाने का आप जिक्र कर रही हैं उसके बोल थे आए सुर के पंछी आए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हाँ पर मैं कुछ और गाऊंगी। नहीं, मैं आपसे गाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं मुझे याद है क्योंकि मैं पिछले अच्छा दिनों अपनी हाँ किताब पर एक हाँ काम कर रहा था, तो इसलिए मुझे इस फिल्म का नाम भी याद था। और मुझे ये भी पता था कि बल्कि कविता कृष्णमूर्ति जी इस गाने की बहुत तारीफ करती थी। मुझे एक बार इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था। खैर, तो आप, हमने इतने बड़े बड़े शास्त्रीय दिग्गज कलाकारों का नाम ले लिया, तो आपसे भी ये गुजारिश करेंगे कि कोई एक शास्त्रीय राग सुन ले अब आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं राग जोग में 2 रचना मैं सुनाऊंगी और दोनों ही गुरुजी पंडित राजन मिश्रा जी की रचना है, मैं आपको सुनाना चाहूंगी। मुझे बहुत पसंद है ये दोनों ही बंदिश, मैं आपको सुनाती हूँ। आ
सजन कैसे कहूँ, सजन कैसे कहूँ, सजन कैसे कहूँ, सजन कैसे कहूँ, अपने मन की बतिया, सजन कैसे कहूँ, सजन कैसे कहूँ, गिन गिन रैन बिताऊ, गिन गिन रैन बिताऊ, तड़पत हूँ निसरतिया, तड़पत हूँ निसरतिया, भूख उठत ही अमी, भूख उठत ही अमी, और दुखे छतिया, सजन का से कहूँ, सजन का से, सजन का से, सजन का से कहूँ। आपने अभी राग जोग में दो रचनाएं सुनी और दोनों ही रचनाएं पंडित राजन साजन मिश्र जी की, बहुत आप कह सकते हैं सीनियर डिसाइपल नवनीता चौधरी हमारे साथ हैं, जिन्होंने वो ये दोनों ही रचनाएं सुनाई। इंटरव्यू में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं नवनीता, और अब मैं आपसे ही समझना चाहूंगा, जिसका जिक्र अभी आप थोड़ी देर पहले कर भी रही थी, कि आपने फिर पढ़ाई भी संगीत की। तो मैंने देखा है लोग संगीत सीखते तो है, लेकिन संगीत का जो जो संगीत का लिटरेचर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन संगीत का जो एकेडमिक्स है, यानी पाठ्यक्रम के तौर पे संगीत को पढ़ना, तो आपने पाठ्यक्रम के तौर पे भी पढ़ा संगीत को, इससे क्या फायदा हुआ एक कलाकार के तौर पर आपको? इसमें ये हुआ कि संगीत के हर एक चीज का जो डिटेल है, जो एक होता है ना,
जैसे हमें पता है कि ये मूर्ति है, जैसे प्रैक्टिकली आप मूर्ति लेके दिखाते हैं कि ये मूर्ति है, पर डिटेलिंग जो है वो हमें पढ़ने को मिला है। और प्रैक्टिकल के अलावा भी संगीत से जुड़े हुए बहुत कुछ ऐसे चीजें हैं जो हमें जानने को मिला है, क्योंकि मुझे बहुत ही इंटरेस्ट थी इसका जो हिस्ट्री है कैसे क्या है। तो जो भी चीजें हैं, मुझे लगता था कि अगर मैं संगीत में ही मैं मेरा पढ़ाई होगी तो थियोरिटिकल जो चीज है वो भी मैं जान पाऊंगी और प्रैक्टिकल भी मैं करती रहूंगी। जैसे हमने कुछ कुछ फिजिक्स भी पढ़े हैं इसमें, जैसे एस्थेटिक सब्जेक्ट भी पढ़ा है, तो ये सब का क्या इसमें संगीत में क्या जरूरत है? टेक्निकल जो चीजें हैं बहुत कुछ जानने को मिला है मतलब इससे पढ़ाई एजुकेशन से। इस इंटरव्यू में यहाँ पर एक छोटा सा हम लोग विराम ले लेते हैं और अब इस इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में जब हम आएंगे तो हम बातचीत करेंगे खास तौर पर पंडित राजन मिश्र जी के बारे में, क्योंकि उनका गुरु के तौर पर आपको आपको जो सौभाग्य मिला, थोड़ा सा उनकी शख्सियत के बारे में भी समझेंगे और गुरु के बारे में तो बात करेंगे ही। तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, कल ठीक 10 बजे फिर मुलाकात होगी हमारी इस इंटरव्यू सीरीज के दूसरे हिस्से में।